हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूनम्स किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चॉकलेट कपकेक की रेसिपी। तो चलो आइए हम देखते हैं। यहाँ ले रही हूँ मैं 1/2 कप ऑयल, 1 कप पाउडर शुगर, इसी कप से हम लेंगे 2 कप मैदा। सबसे पहले हम शुगर और ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे मैदा। मैं यहाँ ले रही हूँ एक छलनी और मैदे को हम एक बार छान लेंगे ताकि मैदे के अंदर एयर आ जाए, जिससे हमारा केक अच्छे से फूलेगा। यहाँ मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून कोको पाउडर, यह है बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, यह है बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून। अब हम तीनों को मिक्स करते हुए छान लेंगे। हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। यह है 1 कप दूध। जिस कप से हमने मैदा लिया था उसी कप से दूध लेना है। पहले हम थोड़ा दूध डालकर बैटर को मिक्स करेंगे, फिर बचा हुआ दूध डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करते हुए हमें एक स्मूथ बैटर तैयार करना है केक का। अब हम इसके अंदर डालेंगे वेनिला एसेंस। आप चॉकलेट एसेंस भी डाल सकते हो। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 स्पून वेनिला एसेंस, यह विनेगर 1 टेबलस्पून। आप विनेगर की जगह दही भी डाल सकते हो। हमें इसमें खटाई डालना ज़रूरी है क्योंकि हम इसमें सोडा डाल रहे हैं, तो सोडे के साथ अगर विनेगर या दही डालेंगे तो हमारा केक अच्छा स्पॉन्जी बनेगा। ये रेडी है हमारा बैटर। यहाँ मैंने ले लिए हैं ऐसे टी के कप्स, क्योंकि हम कपकेक बना रहे हैं। सभी कप्स को हम एक बार ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। बस इस तरह मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है कप्स को। अब हम इसके अंदर डालेंगे बैटर। हमें बैटर कप में सिर्फ 1/2 कप तक ही डालना है। हम ऊपर तक कप्स को भरेंगे तो बैटर ओवरफ्लो हो जाएगा फूलने के बाद। बस इसी तरह सारे कप्स को हम फिल कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें नमक डालकर इस तरह से रिंग रखा है। हमने इसे प्रीहीट कर लिया था। बस इसके अंदर हम ऐसे प्लेट में कप्स को रखेंगे और ऊपर से एक ढक्कन लगाएंगे और इसे 30 मिनट्स तक बेक होने देंगे। 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसे ओपन कर देखते हैं। ये देखिए, हमारे केक तो अच्छे फूल गए हैं, फिर भी हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं टूथपिक से। टूथपिक पर नहीं चिपका, यानी केक रेडी है। हम इसे नीचे उतार लेंगे और ठंडा होने देंगे। ये पूरी तरह ठंडे हो चुके हैं। अब मैं इसे ऐसे किनारों से छुड़वा कर डीमोल्ड कर लेती हूँ। देखिए कितने अच्छे बनकर रेडी हुए हमारे कपकेक्स। बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं। इन कपकेक्स को हम कर लेते हैं थोड़ी सी गार्निशिंग व्हिप क्रीम के साथ। इस तरह से मैंने एक नॉर्मल सी व्हिप क्रीम को वेनिला फ्लेवर देकर इसके ऊपर व्हिप किया है और डेकोरेट किया है। अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं थोड़े से चोको चिप्स ताकि इसका लुक भी अच्छा आए और टेस्ट भी अच्छा आए। ये लीजिए, ये रेडी है हमारे कपकेक्स बनकर। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।